करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात के पथ पड़ पड़त निशान। जिस तरह से एक कोमल रस्सी को जब प्रयोग करके कुएं से पानी निकाला जाता है और वो कोमल रस्सी कुएं के चारों ओर अपना निशान छोड़ देता है, ठीक उसी तरह से अगर कोई समस्या हमारे लिए बड़ा है और हम उस समस्या के लिए निरंतर अभ्यास करते रहे तो वो अभ्यास हमें उन समस्या से बाहर आने में मदद करता है और हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन अभी झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यानी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा 2024 का। जी हाँ, 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो या 12 का हो, जो भी एग्जाम बोर्ड एग्जाम जो है आपका क्लास 12th या 10th का जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिरकार एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। क्या एग्ज़ाम से कुछ महीना पहले हमेशा की तरह सिलेबस में बदलाव कर दिया जाएगा? इसके बाद आप लोगों का सिलेबस क्या है पढ़ने का? एग्ज़ाम किस तरीके से होगा? टर्म 1 पे होगा या टर्म 2 पे होगा? एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? कितने कितने मार्क्स का पूछेगा? उसका तैयारी किस तरीके से करें? रुको, इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, और अगर आप मेरे साथ क्लास 12 कॉमर्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मोर देन 90% टारगेट रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। सो हाय गाइज, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। अब आओ एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल, एग्जाम पैटर्न क्या होगा 2024 के लिए? अच्छा, 12 से पहले कुछ और स्टूडेंट के लिए मैं बता दूँ, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए स्टूडेंट के लिए बता दूँ कि आप लोगों का एग्जाम जो 2024 में होगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा जी? पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, जैसे हर सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में होगा। तो हम लोगों का मेन टारगेट ये नहीं है, हम लोगों का मेन टारगेट है क्लास 12 के लिए कि आखिरकार क्लास 12 का सिलेबस क्या होगा, और 12th का तरह ही सेम जो है वो क्लास 10 का भी सिलेबस होगा, तो 10th वाले भी इसको देख सकते हैं। अब ध्यान से पहले एक बात समझ लो, मेरा 12th वालों के लिए मैं खास कर कह रहा हूँ, NCERT ने इस साल अपने हर क्लास के सब्जेक्ट्स के बुक में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं, काफ़ी सारे सब चैप्टर्स को कम किए गए हैं और कुछ कुछ नए चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। यानी मैं शॉर्टकट ये कहूँ कि NCERT का जो है वो बुक में जो है वो काफ़ी सारे बदलाव हो गए, यानी उसका बुक बदल गया है। हाँ, क्लास 12th का भी बुक बदला, और इस बदलाव को देखते हुए NCERT का जो न्यू पैटर्न है उसी को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने उसको एक्सेप्ट किया और इस साल से जो है वो NCERT का न्यू बुक को चलाया। लेकिन झारखंड अकेडमी काउंसिल इतना ज्यादा इसका गंदा आदत है कि इन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और NCERT और CBSE जो बदलाव करती है उसी बदलाव को जो है काफी हद तक जो है वो झारखंड बोर्ड एक्सेप्ट करती है और उसी को फॉलो करती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अभी तक झारखंड बोर्ड का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है। ठीक है, अब 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ध्यान से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा क्लास 12th वालों के लिए, वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम और सब्जेक्टिव दोनों में एग्ज़ाम होगा। अब सवाल ये आता है कि कितने का सब्जेक्टिव होगा, कितने का ऑब्जेक्टिव होगा, क्या 50-50% सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या किसी सब्जेक्ट में 50% चैप्टर ऑब्जेक्टिव से पूछेगा, 50% सब्जेक्टिव से पूछेगा, या पूरे बुक से पूछेगा, क्या टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम होगा, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करें, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अब ध्यान से समझना कि बेसिकली होगा क्या, अभी तक झारखंड एकेडमी काउंसिल ने चूंकि क्लियर नहीं किया है कि वो NCERT को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन करेगी, इतना तो है, और करेगी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी आपका जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर मैं क्लास 12th कॉमर्स वालों का बात करूँ तो कॉमर्स में आपका जितना भी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, ETP हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, BMT हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का 100% सिलेबस आपको पढ़ना है। सिलेबस में कोई भी आपको कटौती अपने से नहीं करना है, अपने से गुरु नहीं बन जाना है कि इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर को छोड़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। 100% हर सब्जेक्ट के सिलेबस को करोगे,
ठीक है, कोई भी सिलेबस को बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होगा तो उसके बारे में हम खुद बता देंगे। और हाँ, अगर बदलाव होता भी है तो किसी सब्जेक्ट से एक दो चैप्टर को कम किया जा सकता है। सब्जेक्ट में बदलाव नहीं होगा, एक दो चैप्टर कम हो सकता है। अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा हुआ तो एक से दो चैप्टर कम होगा और उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं होगा। इसलिए अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा 100% सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसके सारे चैप्टर्स को आप पढ़ोगे। ठीक, अब ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। अब कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव और 20 नंबर आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल मिलेगा। ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। अगर मैं क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट का बात करूं तो कॉमर्स में ETP और आपका कंप्यूटर साइंस, ETP और कंप्यूटर साइंस में 35 का ऑब्जेक्टिव, 35 का सब्जेक्टिव, 35-35-70 और 30 नंबर का प्रैक्टिकल कॉलेज से मिलेगा। ETP और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, या तो फिर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का सब्जेक्टिव होगा। क्लियर। अब सर, ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, क्या ये 50-50% होगा? यानी जो भी आपका चैप्टर्स है उसमें से 50% चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और 50 से सब्जेक्टिव पूछेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है पूरा, आपको बुक पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना है, पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है और पूरे चैप्टर्स से मिला के कहीं से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछेगा। यानी पूरे चैप्टर्स को मिला के पूछेगा, 50-50% ऐसा कुछ नहीं है। पूरा 100% सिलेबस से 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का सब्जेक्टिव और 20 का कॉलेज का प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या टर्म वन और टर्म टू में एग्जाम होगा जैसे पहले एक बार हुआ था? तो नहीं, टर्म वन और टर्म टू के एग्जाम को अब हटा दिया गया है पिछले साल से। टर्म वन टर्म टू ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा। आप लोगों का एक फाइनल एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च के बीच में होगा। फरवरी मार्च में आपको जो है एक फाइनल एग्जाम देना है, उसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, आया समझ में? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। और हाँ, जो स्टूडेंट एग्जाम में 90% प्लस टारगेट रखते हैं ना, कम से कम 85 से कम तो एक्सेप्टेड ही नहीं है भाई। अगर 85 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ही ये वीडियो आगे वो स्टूडेंट देखना। अब क्या होगा, कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मोर देन 85% नंबर लाएँ, 90% नंबर लाएँ, जिससे जो है आपका कॉलेज का नाम रोशन हो, आपका स्कूल का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, आपका घर परिवार का नाम रोशन हो। क्योंकि 12 जो है वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये मौका अगर आप गवा दिए, ये 7-8 महीना अगर आप गवा दिए, तो आप कभी भी जो है मतलब वन टाइम अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑफलाइन क्लासेस तो कर ही रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं एग्जाम में मोर देन 90% मार्क्स लाएं, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं उन लोगों को फ्री में क्लासेस पढ़ाता हूं। यूट्यूब में ही लाइव क्लासेस आप लोगों का चलता है, लाइव क्लासेस होता है आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस आते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल क्लासेस आता है चैप्टर बाय चैप्टर उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हैं, सब्जेक्टिव के लिए उसका थ्योरी, उसका न्यूमेरिकल, पूरे कॉन्सेप्ट को A to Z मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, मैं PDF उपलब्ध कराता हूं, साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट लेता हूं मैं, एग्जाम किस तरीके से देना है उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूं। यहां तक कि झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा जो न्यूज आता है वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो अगर आप मेरे साथ 12th पढ़ना चाहते हैं और सच में आप अपने वन टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते, मोर देन 90% आप मार्क्स टारगेट किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को नोटिफिकेशन में प्रेस करके जरूर रखना, क्योंकि मैं आपको क्लास 12th के कॉमर्स के A to Z सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। एक भी सब्जेक्ट मिस नहीं होगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट लेना, उसका PDF, उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, A to Z चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस पूरे जर्नी में, 12th के जर्नी में, मैं आपको शुरू से लेकर के आगे तक आपके साथ रहूंगा। और इतना ही नहीं, आप मुझसे ना सिर्फ यूट्यूब में बल्कि आप चाहें तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, मुझसे फेसबुक में कनेक्ट हो सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो मैं अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को अलाउ कर दूंगा, ताकि 24/7 आवर जब भी आप लोगों को मेरा जरूरत पड़े, जो भी डिस्कस करना हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों के साथ वहां प्रेजेंट रहूंगा। तो अगर इतना जब मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप भी करो कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं पूरे झारखंड में इसको एकदम फैला दो। ना सिर्फ झारखंड बल्कि आसपास के बोर्ड, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया, सब जगह इस वीडियो को वायरल कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं,
जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, मोर देन 90% लाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग जो है वो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। पर डे मॉर्निंग में 10:30 बजे यूट्यूब में लाइव क्लास चल रहा है, जिसमें आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई पैसा है उसका 1 रुपया तक नहीं देना है आपको। हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश BST और ETP अकाउंट्स चल रहा है, BST और इंग्लिश, इसका भी क्लासेस कल से आप लोगों को अलाउ कर देंगे। यानी दिन में 3 बार आप लोगों के लिए लाइव क्लास होगा, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में और एक नाइट में, 3 आप लोगों का लाइव क्लासेस होगा, जिसमें पर डे हम लोग तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में तैयारी हो जाए। और मैं पढ़ाता कैसा हूँ, रिजल्ट किस तरह से है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप अपने आसपास के दोस्तों से जिन्होंने 12th में मेरे से पढ़ाई किया है, या आपके भैया या दीदी से एक बार पूछिएगा, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, जिससे उन लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिए। थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा मेच्योर लाओ, बचपना को छोड़ो, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, और कंटिन्यू लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन करो। जो भी दिक्कत डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, विक्की बहादुर 0210, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप फॉलो करें। जब आपको कॉल करना हो, जब आपको मैसेज करना हो, आप कलो, मैं उसी समय आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, चलो, आई होप वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कोई भी दिक्कत है कमेंट करें। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी को टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें।